नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के रक्षा से लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के लिए, और समझ लीजिए ये जितने भारत के लिए बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए उतनी ही ज़्यादा दर्दनाक खबर है। जी हाँ, तो आइए समझते हैं कि पूरी खबर है क्या और पाकिस्तान को इससे क्या समस्या होने वाली है और भारत के लिए ये बिल्कुल हट के चीज़ क्यों है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि अपना एक फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस MK-1, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, उसका एक एडवांस वर्जन लाया जा रहा है जिसका नाम है तेजस MK-1A। तो ये उसका एडवांस वर्जन है। अब दोस्तों, ये जो एडवांस वर्जन है इसको HAL ने करीब 83 के नंबर में बना दिया है और इसका डिप्लॉयमेंट होने जा रहा है। ये समझ लीजिए कि जून जुलाई में डिप्लॉयमेंट इसका हो जाएगा और ये पाकिस्तान बॉर्डर पे इसका डिप्लॉयमेंट होना है। जी हाँ, बीकानेर, राजस्थान का जो एक बीकानेर ज़िला है वहाँ पर जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगी हुई, वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो इसलिए इससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आप समझते हैं कि जब हमारे पास तेजस MK-1 था तो हमने तेजस MK-1A क्यों बनाया। दरअसल दोस्तों, इसमें एयरफोर्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट थी, उसने कहा कि हमें इसमें कुछ और ज़्यादा विशेषताएं चाहिए, रडार से रिलेटेड और भी चीज़ें, कुछ ऑटोमेटिक जैमर लगे हों जिससे कि उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी उसको एक एज मिले, उसका एक अच्छा उपयोग कर सकें। तो उस तरह की चीज़ें, करीब 40 चीज़ें ऐसी थी जिसको इस नए वाले में वर्जन में लगाया गया है, उसको डेवलप किया गया है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात इसमें यह है दोस्तों कि इसमें मोर देन 50% जो चीज़ें हैं वो भारत की ही बनाई हुई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें अभी तो बाहर की टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जैसे उसका अभी रडार सिस्टम है वो इसराइल का लगाया हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद वो रडार सिस्टम भी भारत का ही होगा, उसको लगाया जाएगा। तो इससे हमारे देश में जो खुद की हमारी टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा डेवलपमेंट उसकी होगी और उस पर पैसा खर्च किया जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरा का पूरा अपना ही बना रहे होंगे। इससे क्या होगा, किसी और पे हमें, किसी और देश पे भरोसे पे हमें रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कब कौन सा देश हमारा किस वक्त मित्र बना हुआ है, कब वो हमारा शत्रु बन जाएगा हमें पता नहीं होता है, कि जब हमें ज़रूरत है तब वो हमें सप्लाई कर पा रहा है चीज़ों की या नहीं कर पा रहा है, ये भी बहुत बड़ा फ़र्क डालता है किसी भी चीज़ में। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे हमारी जो ग्रोथ जर्नी है फाइटर जेट के मामले में ये बहुत ही बुरी ही रही है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि ये जो तेजस फाइटर जेट है सबसे पहले 2000-2001 के आसपास उड़ाकर दिखाया गया था, इसका जो TD वर्जन था, TD-1A। अब उसके बाद ये समझ लीजिए पहली बार ऑपरेशनल हुआ है 2016 में, एयरफोर्स को ये 2016 में मिला है तेजस। अब सोच लीजिए 2016 के बाद 8 साल फिर बीतने को हैं, 2024 आ गया है, अब हमको इसका एक एडवांस वर्जन मिलने जा रहा है। और ये जो तेजस की जब एक स्क्वाडन पूरी मिल आ जाएगी तो ये एक स्क्वाडन है MiG-21, उसको ये रिप्लेस कर देगा। अभी एक्चुअली हमारे पास 2 स्क्वाडन है MiG-21 के, जिसमें से ये एक को रिप्लेस कर देगा और एक की जगह पूरी तरह से ले लेगा, और इसका ही हमारे एयरफोर्स में यूज़ किया जाएगा सुरक्षा को लेकर के। हालांकि इससे बेनिफिट तो है ये दोस्तों, इसमें हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तेजस में ये एक तो हल्का है, हल्का का मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिए कि हल्का तो इसकी चीज बुरी है, जी नहीं, उसमें जो भी अंदर की चीज़ें लगी होती हैं उसमें जो चीज़ें लगाई गई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी पड़ी और वो चीज़ें एक ही में कई हमें फ़ायदे उससे मिल जाते हैं, तो इस वजह से वो हल्का हो गया है। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये हल्का होने की वजह से इसकी कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसका हम कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, इसको मिसाइल इंटरसेप्ट करने में इसका यूज़ हो सकता है, ग्राउंड से इसको ऑपरेशनल किया जा सकता है, एयर टू एयर हम इसका फ़ायदा लेते हैं, तो इसका मल्टी रोल है। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में भी है, अभी कई और देश हैं जो इसको डिमांड कर रहे हैं, इसको परचेस करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया,
फिलीपींस हो गया, नाइजीरिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया। अभी दोस्तों ये बातचीत कर रहे हैं, सोचिए ये अगर हमारी बातचीत बिल्कुल सफल हो जाती है तो हम इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे। और इसको जो सबसे ज़्यादा यूनिक कोई चीज़ बनाती है दोस्तों, तो वो है इसकी सेफ्टी। सोचिए इतना टाइम हम लोग तेजस को उड़ाते हुए हो गया है, अपने ऑपरेशनल हो चुका है, और आज तक इसका बस एक बार हमें देखने को मिला है कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था हमारा फाइटर जेट। वो अभी रिसेंटली 3-4-5 महीने पहले की ही बात है, अभी हुआ था। और दोस्तों इसके अलावा हमें इसका कोई भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि इसमें कोई दुर्घटना हुई हो। तो इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब ये समझ लीजिए कि ये भारत के लिए भारत की शान है, HAL इसको बना रहा है। और HAL को ये जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो ये समझ लीजिए करीब 36,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और HAL ने इसमें अपना काम किया और इसको बना कर दे दिया। अब ये बस डिप्लॉयमेंट होना है, और पाकिस्तान की टेंशन सोचिए बढ़ गई। अब उसको दिख रहा है ना कि एक नया फाइटर जेट लगने वाला है, पूरा उसकी बाउंड्री पूरी वहाँ से घेर दी जाएगी। दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई कोई और अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।